धनु राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल के एक नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 8 से 14 दिसंबर 2020 के लिए साप्ताहिक राशिफल की। ये राशिफल आपके लिए चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप अपनी चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से इसमें विचार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 8 से 9 दिसंबर के लिए। 8 से 9 दिसंबर को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में गोचर चंद्रमा का आपके राशि स्थान से दशम भाव में होगा। दशम भाव का चंद्रमा आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर जो लोग काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं जॉब प्राप्ति के लिए या कोई प्रमोशन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका बन सकता है। साथ ही साथ आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, तो इन सभी कामों के लिए ये चंद्रमा 2 दिन के लिए काफी अच्छे रहेंगे 8 और 9 दिसंबर को। ये दोनों दिन आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी काफी लाभ आपको हो सकता है। साथ ही साथ कोई ऐसे फील्ड में आप काम कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा गोपनीय कार्य होते हैं, उसमें भी आपको सफलता जरूर मिल सकती है। साथ ही कुछ कठिनाइयां आपको हो सकती हैं अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं हो, तो ये सारा समय 2 दिन का जो समय है इसमें आप अपने जॉब को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में रह सकते हैं, या आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसको लेकर ज्यादातर आप कोई ना कोई काम करते रहेंगे। साथ ही चंद्रमा यहाँ से आपके फोर्थ हाउस पर दृष्टि डालेंगे। फोर्थ हाउस पर चंद्रमा की दृष्टि होने से आपको अपनी माता जी का अच्छा सहयोग मिलेगा और उनके साथ आपके संबंध काफी अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है तो वो बन सकता है, आपको घर से लगाव होगा और आप अपने घर से संबंधित कोई भी काम इस समय में अच्छे से कर पाएंगे। आपको जो भी प्रॉपर्टी का फायदा होगा उससे आप आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में और उसके बाद आप और विस्तार करना चाहेंगे, तो जो भी आपको इस समय में अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटा लेना चाहिए। साथ ही साथ चंद्रमा दशम से फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, तो आपकी माता जी के स्वास्थ्य में अगर अभी तक कुछ दिक्कत चल रही थी, उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, तो ये समय काफी अच्छा है। आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी सुख सुविधाओं के विस्तार के लिए ये दोनों दिन काफी अच्छे कहे जाएंगे। इसके बाद चंद्रमा एक राशि आगे बढ़ जाएंगे और तुला राशि में ये चले जाएंगे आपके लिए 10 और 11 दिसंबर को। 10 और 11 दिसंबर को चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर होना ये दिखाता है कि आपके धन में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी। कोई बिजनेस कर रहे हैं या कहीं से कोई लाभ प्राप्त करना, आपको कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है या किसी को आपने पैसा देना है या लेना है, तो ये समय काफी अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ इस समय आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ता हुआ अपने आप को देखेंगे जो लोग आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, यानी आपके फ्रेंड सर्कल का विस्तार होगा, कुछ नए दोस्त बन सकते हैं जो हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहने वाले हैं, तो ये समय काफी अच्छा है आपके लिए। 10 और 11 दिसंबर बहुत बेहतरीन समय रहेगा, लाभ प्राप्त होंगे, लाभ में वृद्धि होगी और जो भी काम आप करेंगे, विशेष रूप से धन से जुड़े हुए कार्य, उनमें अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो समय और भी अच्छा कहा जा सकता है। इस समय में आप अपने जो नेटवर्क के लोग हैं, जो आपकी सोसाइटी के लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपकी मित्र मंडली में लोग हैं, उनसे जितना चाहे आप फायदा ले सकते हैं। चंद्रमा यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि डालने से निसंतान दंपतियों के लिए काफी अच्छा समय है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ आपको कोई बिजनेस वगैरह से, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से काफी फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी संतान के लिए ये समय काफी अच्छा होगा, आपकी एजुकेशन के लिए भी ये समय काफी अच्छा माना जाएगा। तो इस समय में आप कितना भी चाहें काम कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के संबंध में, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, इस समय आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। साथ ही साथ जिन लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है उनके लिए ये 2 दिन काफी अच्छे कारगर साबित होंगे। तो चंद्रमा का पंचम भाव को देखना प्रेम संबंधों में सफलता भी दिलाता है और आपके लिए ओवरऑल काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपकी संतान के साथ आपके संबंध बहुत बेहतर होंगे। थोड़ा सा आप इस समय में इमोशनल होंगे अपनी संतान को लेकर, या आपका कोई भी फ्रेंड है उसके साथ, या कोई भी आपका लवर है उसके साथ, तो थोड़ा सा ये आपको देखना होगा। साथ ही पंचम को जब चंद्रमा देख रहे हैं तो कोई ना कोई आप में क्रिएटिव स्किल हो सकती है जिसकी वृद्धि होगी और उससे आपको धन का इस समय लाभ हो सकता है। तो चंद्रमा का पंचम को देखना काफी अच्छा कहा जाएगा और लाभ भाव में चंद्रमा का ये गोचर
आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आएगा, 2 दिन का समय। 10 और 11 दिसंबर के जो दिन हैं वो विशेष रूप से आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आपके लिए 12 और 13 दिसंबर की। 12 और 13 दिसंबर को चंद्रमा एक राशि फिर आगे बढ़ जाएंगे और ये आपके राशि स्थान से 12वें भाव में वृश्चिक में चले जाएंगे, जहां पर ये नीच के भी होते हैं। तो नीच का चंद्रमा होने से आपको नींद वगैरह लेने में परेशानी होगी, रात्रि का सोने का कोई समय नहीं रहेगा आपका, और अगर आप सही समय पर सोते भी हैं तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो सकती है। आपको अपना रूटीन मेंटेन करने में परेशानी होगी, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, धन का लेन देन किसी के साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। हो सकता है आप किसी को धन देना चाहते हैं या किसी से लेना चाहते हैं, दोनों ही कार्यों में आपको बाधा देखने को मिलेगी। इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप ना करें, अगर आप करते हैं तो आपका निर्णय गलत हो सकता है। ये समय आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो रहेगा तो कोई भी काम आप समय पर नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी हो सकता है आने वाले समय में कुछ आप ऐसे गलत डिसीजन ले लें जिनकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो चंद्रमा का 12वें भाव में ट्रांजिट ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाएगा, ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम कर देगा जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे किसी काम को करने के लिए, और कुछ मामलों में आप बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे निर्णय लेने के लिए। तो जब तक हम समय पर निर्णय नहीं करते हैं तब तक बाद में आगे समय निकल जाता है और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही साथ चंद्रमा का 12वें भाव में ट्रांजिट है तो आपको विदेश से जुड़े कार्यों में हालांकि सफलता मिल सकती है। चंद्रमा यहां से आपके सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो आपके कार्यस्थल की थोड़ी जो परिस्थितियां हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। कोई आपका गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है, किसी के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या पहले से कोई वाद विवाद चल रहा है तो उससे भी आपको सावधान रहना होगा क्योंकि मामला और ज़्यादा बढ़ सकता है। ये समय में आप कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो जो पिछले कुछ 2-4 दिनों में आपने लाभ अर्जित किया है, जो धन अर्जित किया है, वो इस समय आपका फिर से लॉस में जा सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम दिन की बात करेंगे। अब अंतिम दिन यानी 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर धनु में आ जाएंगे। धनु राशि में चंद्रमा का आना आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति कहा जाएगा। आपको कुछ ऐसी घटनाओं का सामना हालांकि करना पड़ सकता है, जैसे एक्सीडेंट है या कोई ऐसी घटना, धन भी प्राप्त हो सकता है, कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। साथ ही थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका अकल्ट साइंस में रहेगा। तो चंद्रमा का राशि स्थान में आने से आपके लिए कॉन्फिडेंस आप बढ़ता हुआ देखेंगे और आप काम करने के लिए ज़्यादा तत्पर रहेंगे। आप अपने प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा करेंगे, किसी भी फील्ड में हो भले ही आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर आने से आपको बहुत ज़्यादा कल्पनाशील बना देगा, आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे। अब आप पर डिपेंड करता है आप उन विचारों को किस प्रकार से हैंडल करते हैं, आप अपने मन को कैसे कंट्रोल में रख पाते हैं। साथ ही चंद्रमा का राशि स्थान में होना ये दिखाता है कि ये समय आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करने का समय है, अपने स्वास्थ्य को सही रखने का समय है, अपनी डाइट को नियमित रखने का समय है। चंद्रमा यहाँ से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी है वो दूर होगी, साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा। चंद्रमा जब सप्तम को देख रहे हैं तो आपको बिजनेस में प्रोग्रेस हो सकती है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले से ही कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया हुआ है तो उसमें और प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। तो बिजनेस से संबंधित सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, कोई नई पार्टनरशिप का चांस भी आपके सामने आ सकता है। तो अब आप पर निर्भर है कि आप उस चांस को किस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये समय काफ़ी अच्छा है, सप्तम में चंद्रमा का आना आपके लिए, यहाँ पर सप्तम पर चंद्रमा की दृष्टि होना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये समय बहुत बेहतरीन समय है और इस समय का आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। साथ ही साथ आप कोई पब्लिक फिगर हैं या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत सारे जो फॉलोवर हैं वो फॉलो करते हैं तो उनके लिए ये समय और भी अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ेगी और आपको लोग ज़्यादा जानेंगे, पहचानेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। तो इस समय में आपको अच्छा फेम मिल सकता है सोसाइटी में, अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर राजनीति के फील्ड में हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और ज़्यादातर
जितना आपको मदद चाहिए इस समय में लोगों की मदद आपको मिलती चली जाएगी, तो ये समय बहुत बेहतरीन कहा जाएगा। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए इस वीक में अगर बात करें शुभ अंक और रंग की, तो आपके लिए शुभ अंक रहेगा 1 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर यानी नीला। फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।